फेसबुक पे एक स्टोरी चल रही थी और वो जिसने बेटी बड़ी खूबसूरत थी उसने कहा, आज आप पाकिस्तान की आलीशान बिल्डिंगें देख रहे हो, आज आप पाकिस्तान के अंदर हर तरह की सहूलियात को मद्देनजर रख रहे हो, लेकिन जब पाकिस्तान बन रहा था उसकी ये तस्वीर है, कहीं बुजुर्गों के लाशें पड़े थे, कहीं खवातीन की इस अजमत तरी हो रही थी और कहीं नौजवानों के सीनों पे गोलियों की बौछार की जा रही थी। और वो ये आखिर में लिखता है कि पाकिस्तान जिन लोगों ने हासिल किया था उनसे पाकिस्तान की कीमत पूछिए, पाकिस्तान की कदर पूछिए। आज कोई उठता है पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर देता है, आज कोई उठता है पाकिस्तान की शख्सियत के ऊपर अपने नापाक अरादों का इजहार कर देता है, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था उनकी नस्लें इंशाल्लाह पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। चूंकि नारोवाल जिला बॉर्डर बेल्ट पे है और 75% लोग हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, और पाकिस्तान में जब वो आए हिंदुस्तान में उनकी जायदादें थी, हिंदुस्तान में उनके कारोबार थे, हिंदुस्तान के अंदर उनका खूबसूरत रहन सहन था, लेकिन उन्होंने सब कुछ इसलिए कुर्बान कर दिया कि हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें इस्लाम का पाकिस्तान चाहिए, हमें मोहम्मद अरबी का पाकिस्तान चाहिए, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला पाकिस्तान चाहिए। लेकिन अफसोस हमने उनकी कुर्बानियों को आज नजरअंदाज कर दिया। इस पाकिस्तान में कोई कोई निशान लाने की बात करता है, कोई कोई निशान लाने की बात करता है, लेकिन मैं ये बात बवाबी दौर कह देना चाहता हूं कि जब तक मरकजी जमीयत अहले हदीस आप अहले हदीस यूथ फोर्स हसरतुल अमीर अलावा प्रोफेसर के क्यादत के अंदर एक वक्त किस्मत असीद में मौजूद है, कोई निशान नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो मोहम्मद अरबी का निशान चलेगा इंशाअल्लाह। और विमुख को कहना है इंसानी फिक्रमल, इंसानी फिक्रमल एक बड़ा ताला दिया है, दुनिया के किसी खत्ता ने या भी किसी दीनी तारीख ने जन्म लिया बचाते वो तारीख आजादी और फिक्र की हामी हो, एल जी नजरा उस तारीख के हरावर हफ्ते में शामिल रहे हैं, शख्सियत प्रस्ती के शौको सलाहत को उतार फैसला हरियत फिक्र को मुतमिन करने वाली जंजीर का आजादी तारीख पाकिस्तान और एल हदीस भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया और कराची के सुल्तान का इलाका फतह किया, मुसलमानों की आमद अगर इसे काफी अर्सा पहले भी हिंदुस्तान में शुरू हो चुकी थी, फरुख्यादों के दौर में दस से आवाजान चीज लाए हैं और उस्मानी गली सियादों के दौर में पांच से आबाद चीज लाए हैं, अली करमल्ला वाले के दौर में तीन से आबाद चीज लाए हैं, सैयदना अमीर मुआविया सियादों के दौर में पांच से आबाद चीज लाए हैं, 25 से आबाद इस पूरे हिंदुस्तान में तशीफ ला चुके थे। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने हमला करके कराची से मुल्तान का इलाका फतह किया, मुसलमानों के अफजात इंसाफ अदल इस्लाम के सुनहरी असूलों की बदौलत इस खिता में इस्लाम तेजी के फैलने शुरू हुआ। फिर मुख्तलिफ अदवार में मुसलमान हुक्मरान हमला होते रहे, यहां तक कि मुगलिया खानदान ने 350 बरस पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत की। मेरे भाइयों, मेरे भारत साहब भी मुझे बताया करते थे, वो मेरे सरकार के थे, मुझे याद है भारत साहब बताते थे उनकी यूनिफॉर्म को नेशनल गार्ड की, वो मेरी दादियां मैंने दौड़ी वो गिरी थी यूरोप कितने मारा था, तो बाल बच्चों ने महसूस कर लिया कि मेरे पास तो दूर की गलती बनी है, तो दादी हमारे कहा कि बेटा होगा इसको पहन लो, जब पहन लो उनके लिए खुद को मेरे वालिद साहब ने मुझे कहते थे पाकिस्तान बना इसके लिए मैंने कुर्बानी दी। आज मैं मौजूद हूं, मेरी पोती फातिमा सामने बैठी है, इसको भी मैंने यही बता के आया हूं बेटा पाकिस्तान जिंदाबाद कहना है, पाकिस्तान जिंदाबाद कहना है।
लोग इतनी नस्लों तक ये पैगाम देते रहेंगे। हमारा नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान का पाकिस्तान क्यों है? मुझे फिल्म तो इंडिया की पसंद है, गाना तो इंडिया की पसंद है, दिलीप कुमार मुझे बहुत अच्छा लगता है, अमिताभ बच्चन के जो फिल्मी सीन है वो मुझे पसंद है, रंग रोल करने वाली जो टीम है वो यहाँ सरदार जी की दुकान है, वहां राशि पसंद नहीं होता। इंडिया की दुनिया, इंडिया की फिल्में, उनकी द्वारा जो सहमति है वो मुसलमान जो सुनी है वो बाहर बैठे हुए, इधर वाला बाहर बैठा हुआ है, और हमें इश्क है कि इंडिया की फिल्में नहीं लेनी है, इंडिया की फिल्में नहीं लेनी। मेरे भाइयों, आज के बाद सरकार वर्तमान सरकार विचार करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को थैंक्स फॉर वॉचिंग एटिशा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर लिखें।